डिस्क किया था कि जब आपकी मार्केट इक्लिब्रियम में ना हो तो अल्टीमेटली वो क्या करती है इट रिक्वायर्ड सर्टन टाइम पीरियड अब कॉपवेब एडजस्टमेंट क्या है दिस इज बेसिकली वे टू थिंक हाउ मार्केट एडजस्ट टू न्यू इक्लिब्रियम अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एजम्पन लेते हैं कि हमने कहा कि फार्मर प्लान देअर प्रोडक्शन किस चीज़ की प्रोडक्शन जी वो कोई भी क्रॉप भी हो सकती है कि कोई वेजिटेबल भी हो सकती है कि कॉर्न पोटैटो राइस एंड ऑनियन कि क्या वो प्रोडक्शन करेगा इट विल बी बेस्ड अपॉन द प्राइसेस दैट प्रिवेल्ट इन लास्ट ईयर कि जो लास्ट ईयर की प्राइस है दैट इज बेसिकली द दिटरमेंट दिस करंट ईयर प्रोडक्शन क्या जी अगर लास्ट ईयर की प्राइस कुछ हाई होगी तो फार्मर क्या करेगा ही वुड एक्सपेंड देअर प्रोडक्शन जब वो अपने प्रोडक्शन एक्सपेंड करेगा तो इन करंट ईयर देर विल बी मोर प्रोडक्शन एंड बिकॉज ऑफ मोर प्रोडक्शन इन द करंट ईयर इट माइट बी पॉसिबल देर इज अ डिक्रीज इन प्राइस इन करंट ईयर और यह जो आप कह लें कि दिस बिहेवियर प्राइस एंड क्वान्टिटी ओवर टाइम क्या जी लास्ट ईयर प्राइस कुछ ज्यादा थी करंट ईयर में प्रोडक्शन कुछ बढ़ी प्राइस करंट ईयर में डिक्रीज हो गई अगले साल में क्या होगा कि जी आप अगले साल आपकी जो प्राइस थी करंट ये, करंट ईयर की प्राइस जो थी वो कुछ कम थी तो अगले साल फार्मर क्या करेगा वो कुछ कम प्रोड्यूस करेगा जब वो कम प्रोड्यूस करेगा तो अगले साल में बिकॉज ऑफ लेस प्रोडक्शन उस ईयर में प्राइस क्या हो जाएगी इट विल इंक्रीज ये जो बिहेवियर है प्राइस एंड क्वान्टिटी की एसोसिएशन टाइम इसको हम रेफर करते हैं दिस इज द

फार्मर कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उस एग्रीकल्चरल आउटपुट का फार्मर डिसाइड्स टू प्रोड्यूस क्यू टू यूनिट्स ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट क्यों? बिकॉज ऑफ पी वन प्राइस इन ईयर वन और जब अगेंस्ट पी वन ईयर उसने करंट ईयर में कुछ क्यू टू लेवल प्रोड्यूस कर दिया बिकॉज ऑफ मोर प्रोडक्शन कंज्यूमर ने क्या डिसाइड किया ही डिसाइडेड फॉर दिस लेवल ऑफ आउटपुट विल पे अ प्राइस पी टू जब उसने पी टू प्राइस पे कर दी इन करंटर तो इस चीज ने इन सेकेंड के जी ईयर वन में प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पी वन थी ईयर टू में प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पी टू हो गई तो आपके पास थर्ड ईयर में क्या सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी इन थर्ड ईयर वेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी बिकम्स पी टू फॉर्मर ने क्या डिसाइड किया कि शुड प्रोड्यूस क्यू थ्री क्वान्टिटी ऑफ द आउटपुट कैजी इन थर्ड ईयर ही डिसाइडेड टू प्रोड्यूस क्यू थ्री क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बिकॉज ऑफ पी टू प्राइस इन ईयर टू लेकिन इस लेवल ऑफ आउटपुट के लिए थर्ड ईयर में कंज्यूमर ने क्या डिसाइड किया ही डिसाइडेड टू पे पी थ्री प्राइस फॉर दिस लेवल ऑफ आउटपुट कै जी ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी दैट इज प्रोड्यूस्ड इन करंट ईयर कंज्यूमर भी एक डिसीजन कर रहा है और एक डिसीजन प्रोड्यूसर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर आउटपुट इन प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर आउटपुट इन प्रीवियस ईयर क्या जी थ्री में इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो गई इट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बिकम्स बी थ्री बिकॉज ऑफ लेस आउटपुट प्रोड्यूस बाई एडजस्टमेंट साइकिल्स को स्टडी किया है तो हमने यहाँ पे तीन तरह की सिचुएशंस ऑब्जर्व की हैं देयर इज डाइवर्जिंग कॉप वेब कन्वर्जिंग कॉप वेब एंड कॉन्टिन्यूस कॉप वेब आपके पास डाइवर्जिंग कॉप वेब कब होता है वेन डिमैंड स्टीपर आर मोर इन इलास्टिक एज कंपेयर टू सप्लाई करव के जी अगर डिमैंड करव मेरी स्टीपर होगी और आपकी सप्लाई करव मेरे पास फ्लैटर होगी तो देन मेरे पास जो कॉप वेब फिनल ऑब्जर्व होगा उसको हम कहते हैं दैट इज डाइवर्जिंग कॉप वेब कि आप हर सक्सेसिव टाइम पीरियड में अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम मूव करोगे जब हम कन्वर्जिंग कॉप वेब की बात करते हैं तो वहां पे क्या है आपकी डिमांड कर फ्लैटर है एज कंपेयर टू सप्लाई कर्व या यू कह लें डिमांड कर्व इज इलास्टिक एज कंपेयर टू सप्लाई कर्व इसमें हर सक्सेसिव नेक्स्ट ईयर में हम मूव कर रहे थे टू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी और कॉन्टिन्यूसवेब में क्या होता है कि हम एक साइकिल में बस घूमे जा रहे हैं और ये उस सूरत में होगा और हम कभी भी आप कह लें इक्विलिब्रियम की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं ये उस सिचुएशन में होगा जब हम कहते हैं कि डिमांड कर्व कर्व एंड सप्लाई हैव सेम स्लोप डिमेंड करोप्टूस में वी विल नेवर मूव टू द इक्विलिब्रियम लेकिन हम एक साइकिल में बस घूमे जा रहे हैं कन्वर्जिंग में हम हर टाइम पीरियड गुजरने के साथ मूव कर रहे हैं टू इक्विलिब्रियम और डाइवर्जिंग में हम हर टाइम पीरियड गुजरने के साथ मूव करें अवे फ्रॉम द द इक्विलिब्रियम अब टू अंडरस्टैंड डाइवर्जिंग वेब हमने बात की थी कि प्रोड्यूसर डिसाइड करता है अबाउट द एग्रीकल्चरल आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस दैट इन प्रीवियस ईयर कि अगर मैं यूं बात करूं कि जी प्रीवियस ईयर प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्रीकल्चर आउटपुट इज इक्वल टू पी वन तो प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि ही शुड प्रोड्यूस

जब वो इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा तो इस क्वांटिटी पे कंज्यूमर ने क्या कहा कि कंज्यूमर डिसाइडेड टू पे दिस मच प्राइस फॉर द एग्रीकल्चरल आउटपुट अब अगले साल क्या होगा कि जब प्रोड्यूसर ने कहा कि प्राइस तो मार्केट में कुछ ही होगी ही डिसाइडेड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ दैट एग्रीकल्चरल आउटपुट जब उसने ज्यादा प्रोड्यूस किया तो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ सरप्लस इन द मार्केट तो अगेन क्या हो गया कि जी कंज्यूमर ने कहा कि जी इस के लिए तो मैं कुछ ये प्राइस पे करूंगा और जब प्राइस मार्केट में ये हो गई तो प्रोड्यूसर ने क्या कहा प्रोड्यूसर डिसाइडेड टू तो प्रोड्यूस लेस अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि इन ईच प्रोड्यूसर इज मूविंग के वी आर मूविंग अवे फ्रॉम दी इक्विलिब्रियम और यहां ये जो मूवमेंट हो रही है अव, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम तब हम कहते हैं दिस इज डायवर्जिंग कॉपवेब अब इसी पैटर्न पे इट माइट बी पॉसिबल के आवर कॉब वेब कन्वर्ज टू वर्ड इक्विब्रियम अगेन फॉर्मर डिसाइड अबाउट लेवल ऑफ आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्राइस इफ प्राइस ऑफ आउटपुट इज पी वन इन प्रीवियस ईयर तो प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया हि शुड प्रोड्यूस दिस मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट अगे दिस आउटपुट फॉर दिस आउटपुट कंज्यूमर डिसाइडेड टू पे दिस मच प्राइस जब मार्केट में प्राइस ये हो गई तो प्रोड्यूसर ने क्या किया प्रोड्यूसर डिसाइडेड टू प्रोड्यूस लेस लेकिन जब मार्केट में लेस आउटपुट गया तो कंज्यूमर डिसाइडेड टू पे मोर फॉर दिस लेवल ऑफ द आउटपुट जब शॉर्टेज थी तो वहां पर आप कह लें कि कंज्यूमर डिसाइडेड टू पे मोर जब प्राइस इंक्रीज होगी मार्केट में तो उसे नेक्स्ट ईयर सप्लायर ने क्या किया प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट डिसाइडेड टू प्रोड्यूस मोर अब उस चीज को इंडिकेट करने के लिए कि यहां पे ये मेरे पास इस लेवल ऑफ आउटपुट पे चला जाएगा जब लेवल ऑफ आउटपुट एक्सपेंड कर जाएगा तो अगेन कंज्यूमर डिसाइडेड टू पे लेस और जब प्रोड्यूसर को कुछ काम मिला नेक्स्ट ईयर ही डिसाइडेड टू पेडेड टू प्रोड्यूस लेस जब लेस प्रोड्यूस हुआ तो उस ईयर में कंज्यूमर डिसाइडेड टू पेट लेस क्वानिटी ऑफ आउटपुट और अगेन प्राइस इंक्रीज कर गई तो उस ईयर में उससे अगले साल प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि प्रोड्यूस मोर और ये जो आप कह लें एक प्रोसेस कंटिन्यूसली मूव हो रहा है और अल्टीमेटली ये मूव कहां पर हो रहा है कि अब इट विल मूव टू वर्ड्स इक्लिब्रियम क्या हमने अवे फ्रॉम द एक्म शो मूव अवे द दिब्रियम स्टार्ट किया और इन एट सक्सेसिव पीरियड मूव टू वर्ड्स द एक्लिब्रियम और ये जो मूवमेंट टू वर्ड्स इक्लिब्रियम हो रही है तब हम कहते हैं कि देयर इज एडजस्टमेंट टू वर्ड्स द इक्लिब्रियम और ये जो एडजस्टमेंट टू वर्ड दिब्रियम है इसको हम कहते हैं दिस इज कन्वर्जिंग कॉब वेब इट माइक बी पॉसिबल कि आवर कॉबेब कॉबवेब नेवर मूव टू वर्ड्स दीब वो कब सिचुएशन होगी ये तब आप कह लें उस पैटर्न पे होगा उस टाइम पीरियड पर होगा जब हम कहें कि स्लोप ऑफ डिमांड एंड स्लोप ऑफ सप्लाई आर इक्वल अब अगर प्राइस मार्केट में पी वन हो तो प्रोड्यूसर आप कह लें कुछ इतना लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जब इतना लेवल ऑफ आउटपुट मार्केट में जाएगा तो इस आउटपुट के लिए आपके पास जो कंज्यूमर होगा ही विल पे दिस मच प्राइस जब कंज्यूमर ये प्राइस पे करेगा तो विद रेफरेंस टू दिस प्राइस प्रोड्यूसर क्या करेगा ही विल डिसाइड टू प्रोड्यूस दिस मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट लेकिन जब ये क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो कंज्यूमर क्या करेगा ही विल पे दिस मच प्राइस ऑफ दैट आउटपुट कि जी अब ये एक आप कह लें एक सिक्लिकल सा मेथड है कि एक साल आपके पास ओवर प्रोडक्शन होगी नेक्स्ट ईयर में आपके पास क्या होगी अंडर प्रोडक्शन हो जाएगी फिर आपकी जब अंडर प्रोडक्शन होगी आपकी प्राइसेस इंक्रीज करेंगी अगले साल फिर आपके पास ओवर प्रोडक्शन होगी कि एक सिक्लिकल सा प्रोसेस होगा एक साल ओवर प्रोडक्शन एक साल अंडर प्रोडक्शन और ये जो आप कह लें सारी एडजस्टमेंट हो रही है इसमें हम कह रहे हैं देयर इज कॉन्टिन्यूस कॉप वेब कि आप एक ही रूट पे आपकी मूवमेंट हो रही है ना तो आप मूव टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम कर रहे हो ना आप कह लें अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम मूव कर रहे हो और अगर अब इन तीनों डायग्राम को मैं आप कह लें बिल्कुल कंसाइजली बात कर दूं कि आपके पास या तो कन्वर्जिंग वेब होगा या वेब होगा या कॉन्टीन्यूस वेब होगा